नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का हमारा मैथ्स का टॉपिक है फ्रैक्शन। थ्रू दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्लियर सम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज फ्रैक्शन। वी नो दैट अ फ्रैक्शन शोज अ पार्ट ऑफ अ होल, शोज अ पार्ट ऑफ अ होल। नाउ इट इज डिनोटेड बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, 2 अपॉन 3, और वी कैन से 2/3। हेयर 2, हम यहाँ पे 2 को न्यूमिनेटर के प्लेस पे बता रहे हैं एंड 3 इज ऑन डिनोमिनेटर प्लेस। The denominator denotes the whole। जो denominator होता है वो whole को denote करता है। Let's take an example। मान लीजिए आपके पास एक circle में land है, okay? आपने इस land के 4 parts कर लिए। आपने इस प्लान के 4 पार्ट्स कर दिए, यानी कि होल। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, टोटल पार्ट्स आर देयर 4। एंड मान लीजिए आपने एक पार्ट आपने किसी को सेल कर दिया, तो यानी कि टोटल पार्ट्स में से हाउ मेनी आपने कितना सेल किया, 1 पार्ट, दैट मींस 1। सो द डिनोमिनेटर डिनोट्स द होल इज लाइक दैट। Now we are going to discuss the types of fraction. Now, first type of fraction is proper fraction. Improper fraction, a fraction in which denominator is greater than the numerator. जो हमारा denominator होता है वो हमारा numerator से बड़ा होता है तो उसे हम proper fraction कहते हैं। इसको example से समझते हैं। Example, 2/5, 7/12, 5/15। यहाँ पर हमने देखा कि जितना भी जो भी हमारा डिनोमिनेटर की प्लेस पे है वो हमारा न्यूमिनेटर से ग्रेटर है, तो इसीलिए हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें हमारे न्यूमिनेटर जो होते हैं वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होंगे या फिर डिनोमिनेटर के इक्वल होंगे, तो वो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 7/2, क्योंकि हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलर है देन, और जो हमारा न्यूमिनेटर है वो बिगर है। अनदर एग्जाम्पल, 3/3, हमने क्या देखा, या तो वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा न्यूमिनेटर या फिर वो इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर के इक्वल हमारा न्यूमिनेटर है, दैट मीन्स ये भी हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये दोनों ही हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। Our third type of fraction is mixed fraction, fraction in which there is a whole number and a proper fraction, यानी कि whole number भी है और एक proper fraction भी है, ये दोनों ही मिलके हमारे mixed fraction बनाते हैं। Examples समझते हैं। For example, 4/1/2, here 4 is whole number and 1/2 is a प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने देखा कि 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से बड़ा है, दैट मीन्स ये जो है हमारा बिगर है और जो न्यूमिनेटर है हमारा ये स्मॉलर है, इसीलिए हमारा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एक हमारा होल दैन होल नंबर, दैट मीन्स ये तीनों, ये दोनों ही मिलकर हमारे मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। Fourth type of fraction is like fraction. Fraction having the same number as denominator are called like fraction. यानी कि जिनके denominator same हो वो हमारे
फ्रैक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/7, 3/7, 6/7, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट मीन्स हमने देखा कि हमारा यहाँ डिनोमिनेटर 7 है, अगेन यहाँ डिनोमिनेटर 7 है, अगेन यहाँ डिनोमिनेटर 7 है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, एक लाइक फ्रैक्शन है। अवर फिफ्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज अनलाइक फ्रैक्शन। हेयर फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि उनके डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, तो वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/5, 3/9, 7/12 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमने देखा जो हमारा डिनोमिनेटर की प्लेस पे 5, 9 एंड 12, ये तीनों ही अलग है, ये तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूमिनेटर कहलाता है ऊपर वाली प्लेस, एंड नीचे वाली हमारी डिनोमिनेटर कहलाती है। वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड वर्कशीट्स आपकी वेबसाइट पर अपलोड हो गए हैं, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।